ये जरूर जी, एडिबल ऑयल प्राइसेस की बात की जाए तो इंडोनेशिया ने साफ कह दिया है कि वो पूरे के पूरे पाम तेल पर बैन नहीं लगाएगा, जैसे कि सीपी हो गया यानी कि कच्चा पाम तेल और आरबीडी पाम तेल, इसका जो निर्यात है वो अभी भी चालू रहेगा। इसकी वजह से हमने खाद्य तेलों के बाज़ार में ऊपरी स्तर से कुछ नरमी भी आते हुए देखी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जो खाद्य तेलों में तेजी का अनुमान लगाया जा रहा था कि खाद्य तेलों में अब किल्लत हो जाएगी खाद्य तेलों की और जो प्राइसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइकड अप हो जाएंगे, तो क्या अब वैसा सिनेरियो नहीं बनेगा? ये तेजी में तो अभी भी है, मार्केट में बहुत ज्यादा रही तो अच्छे जरूर आई है इस करके चलते। और अभी देखिए ओवरऑल देखा जाए तो डिमांड के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर डिमांड पिकअप होती है तो फिर एक तेजी की तरफ ही मार्केट बना रह सकता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे प्रोडक्शन काफी कम है जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिला है। और अभी पाम ऑयल पर इंडोनेशिया का रूट जरूर बनना है। और वही देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के अंदर जो युद्ध से महंगाई बढ़ी है उसका भी असर अभी कीमतों के ऊपर आना बाकी है। और मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा इस चीज का इम्पैक्ट नहीं आएगा, प्राइसेस तेजी की तरफ बने रह सकते हैं जी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबर लगातार ही आती रहेंगी मार्केट एमसीबी पर।